रोज रात को शाउट आउट देता हूँ, तीन रोल्स है वो आपको पता ही होगा, सब्सक्राइब लाइक कमेंट। ए पापा केक कटिंग कर दो, रसगुल्ले और 24x7 है। अपनी शॉप पे आए थे, हेलो गाइज वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो ये इंट्रो मैंने बाद में शूट करा था, पहले हेयर कट वगैरह सब कुछ खिलाते थे। जब टाइम आया एडिटिंग का तो मैंने कहा ये तो इंट्रो ही नहीं शूट किया। गाइज अभी फिर मैं कटिंग करवा रहा हूँ, चेतन भैया कटिंग कर रहे हैं मेरी, और फिर अभी कटवाते हैं बाल और फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे क्या होगी मेरी। तो अभी गाइज बाल कट रहे हैं और ये देखो ऐसा कुछ लुक हो गया, और फाइनल लुक आपको दिखाएंगे बाद में। देखो गाइज बहुत ही बढ़िया कटिंग कर दिया भैया ने, चेतन भैया है, और ये देखिए मेरे बहुत बाल निकले हैं। तो अब नहा के आते हैं और तब तक घर के और सदस्य कटवाएंगे बाल, तो भैया को बुलाया था। ये देखिए गाइस इतने सारे बाल आए हैं मेरे, ये ऐसे लग रहा है पता नहीं 4-5 सालों से कटवाए ही नहीं बाल मैंने। अभी गाइस बाहर गया था बस कुछ दिन बाद, तो अभी फिर मैं बाहर गया था चिकन वेकन लेने, तो ये बैग के अंदर ले लिया चिकन सामान क्योंकि सबने आना है ना, तो इसलिए तो वो चिकन ले आया हूँ। तो अभी फिर घर जाते हैं, वो वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत बदबू आ रही थी चिकन में, आपको पता तो है जहाँ कटता है तो वहाँ पे बदबू तो होती है थोड़ी बहुत। तो अभी घर आ गया हूँ, अब कहीं बाहर नहीं जाना, अब सब जब आएंगे तब आपको मिलेंगे। मैं नहा धो चुका हूँ, पापा की देखते हैं कटिंग वटिंग हो चुकी होगी सबकी, और सब नहा धो चुके होंगे, तो फिर चलो फिर चलते हैं घर पे और मिलता हूँ आपको रेस्ट करके। अभी गाइस घर आ गए हैं, खाना खा रहे हैं और भाई बहन भी आ चुके हैं, तो अभी खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद देखते हैं जो रात को सेलिब्रेशन वगैरह करेंगे। और ये मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है कमेंट कर दो नीचे, ठीक है, और लाइक कर दो वीडियो को। आपकी बात मानिए, मैंने हेयर कट करवाया बहुत ही बढ़िया, लोग खाना खाते हैं। यहाँ पे चल रहा है खाना पीना, अभी मेरा दूसरा भाई भी आ चुके हैं और आ चुके हैं सारे, तो आ गए वो लोग, हेलो कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं वो लोग सारे। और अभी फिर सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, दादू मटन बना रहे हैं, ये दीदी खाना खा रही हैं, पापा मम्मी दादी दादू और अंश के दादी दादू सारे आ गए हैं वो वहाँ पे, और बाकी संजय और कुणाल और अंश यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कुणाल और अंश बैठे हुए हैं। तो अभी कर रहे हैं हम अपना, और अभी फिर आपसे मैं मिलता हूँ बाद में, मटन दिखाता हूँ आपको मटन कैसा बना है। ये देखिए दादू मटन बना रहे हैं, अभी मटन बना नहीं है, गला रहे हैं दादू अभी मटन, बढ़िया से गला देना दादू, बढ़िया बनाना और रेस्ट भी कर लेना थोड़ा, ज़्यादा थकान ना हो। तो ये बना रहे हैं अभी मटन, आपको अभी टाइम बताऊँ तो टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 3:45, और अभी ये बन रहा है, लंच कर चुके हैं सब लोग और अभी मटन बना रहे हैं दादू, और ये सामान सारा बना हुआ है और ये कर रखा है हमने सब कुछ तैयार है, सब आए हुए हैं और सब वीडियो देख रहे हैं जो भी बनाई थी पापा की फुल वाली वीडियो, वो बुआ वगैरह और दादी दादू सब आए हुए हैं। तो चलो अभी थोड़ी देर में आपको और दिखाऊंगा सीन्स, जब रात को करेंगे हम प्रोग्राम और जो भी दिखाने के लिए होगा वो सब आपको दिखाऊंगा मैं। गाइस अपनी शॉप पे आए थे, दुकान की शॉप पे कुछ सामान लेना था जो हमारे घर पे गेस्ट आए थे उनको, तो उनके लिए शॉप खोली है। तो वो देखिए वहाँ पे आपको दिख रहा होगा पापा हैं, नहीं पापा कहाँ हैं, पापा आपको दिख नहीं रहे होंगे, इसके बॉक्स के पीछे है, तो वो सामान है जो ये हमारी शॉप है, जिसको भी आना हो यहाँ पे आ जाए। B2 कम्युनिटी सेंटर के सामने है और B2 ब्लॉक के बिल्कुल उसके साइड में है, बिल्कुल उसके साइड में मंदिर चर्च गुरुद्वारा के वली लेन में है, 24/7 के बिल्कुल साथ, 24/7 के बिल्कुल साथ में। तो आए और शॉप सामान ले लें, और अगर आप नाम लेंगे DC चोपड़ा व्लॉग्स का और आप कहेंगे कि हम सब्सक्राइब, अगर आप दिखाएंगे कि आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको 5% या 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आए आप या फिर फ़ोन कर दें, अगर आप लोगों को फ़ोन नंबर चाहिए तो कमेंट्स में लिख दो कि फ़ोन नंबर भेज दो अपने पापा का, और सामान मंगा लो, होम डिलीवरी भी है तो सामान ले सकते हैं आप। यहाँ पे ये सारा सामान है हमारे पास, सारा सैनिटाइज़र, बाल्टी, मग्गे,
घर का सारा एसेंशियल जो होते हैं वो सारे हैं, तो आप आए और ले लें। तो अभी सामान ले रहे हैं घर के लिए, मैंने 2-3 सामान ले लिया है और अभी फिर जा रहे हैं घर, और फिर घर जाके आपको दिखाते हैं। ये सामान ले लिया और जो गेस्ट ने लेना था वो भी ले चुके हैं, और अभी बस लाइटें बंद करके दुकान बंद करके जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर, अब घर पे मिलेंगे आपको सीधा। अभी घर आ गए और देखते हैं फिर क्या क्या करते हैं, और फिर आपको दिखाएंगे जो भी होगा अभी शाम को। अभी तो सब सो रहे हैं, भाई बहन जैसे छोड़ के गया था वैसे ही सो रहे हैं, तो जब उठेंगे तो हम लोग फिर केक कटिंग वगैरह करेंगे, नाचेंगे गाएंगे और खाना पिया करेंगे शाम को, तो वो देखेंगे। अभी 24/7 आए थे तो सामान ले रहे हैं, क्रैनबेरी जूस वगैरह, तो वो लेते हैं और फिर घर जाते हैं। ठीक है, सामान लेके आ गए थे और अभी सब लोग बैठे हुए हैं और अभी केक कटिंग करते हैं। ये बुआ आए हुए हैं वो जूम पे और ये सब लंच वगैरह आए हुए हैं, तो अभी केक कटिंग करते हैं पापा के बर्थडे की और वो दिखाते हैं आपको। हम जा दिया था मम्मी को कैसे केक बनाने, और मम्मी ने वनीला केक बना दिया है और ये ऐसा बहुत ही बढ़िया केक बना है आप देखे। तो ये कटिंग करेंगे, मम्मी ने बनाया है, कटिंग करेंगे इसकी पापा। तो आ जाओ पापा, ब्राउनी भेजी है डाइट दी मादी वालों ने, और ये उनका चैनल है डाइट दी मादी, और हैप्पी बर्थडे भेजा उन्होंने। पापा वाईफाई स्पीकर, अरे स्पीकर क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बोलो, स्पीकर पास करो। पापा जब टीचर सवाल पूछे वाईफाई से ना, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हो ना। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आपके लिए हर वर्ष किसी प्रकार उम्मे के जुम्मे वेरी गुड ये पापा केक कटिंग कर दो। टू यू हैप्पी बर्थडे, टू यू आरे आरे हैप्पी बर्थडे टू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिल ये गाए, दिल ये गाए हजारों साल ये मेरी Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday। बांग्लादेश से ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये देखिए। Happy birthday to you। सामने तू पापा के ड्रिंक पीना चली गई टोटली। Happy birthday to Happy birthday papa papa। तो अभी केक खिला रहे हैं सबको। मीनू हाँ हाँ सब खिला रहे हैं केक पे, खिला रहे हैं। हेयर कट तो है ही बढ़िया मेरा, आपके लिए। दादी का नया हेयर कट कैसा लग रहा है कमेंट्स में बता दें। ये गाइस आपके लिए है, बहुत टेस्टी है क्या, वाह। मम्मी ने भी हेयर कट कराया, दादू ने, पापा है, ये लो पापा। गाइस आपकी तरफ से भी खिला दिया मैंने केक पापा को। अरे पापा रुक जाओ ना, खिलाने तो लो, खिला रहा हूँ ये। आज सुबह खाना खाते हैं और फिर आपको मिलते हैं, हम खाना खाते रहते हैं और KFC चिकन वगैरह खा रहे हैं, मटन बन चुका है, चिकन बन चुका है, तो खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी ये आइसक्रीम मंगाई थी उनसे, तो ये आइसक्रीम आ चुकी है एक एक लीटर की, दिल को उनसे मंगाई थी, तो आप शुरू कर सकते हैं खाना। और यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं, तो इनसे मंगाई थी, उनका नाम भूल गया हमको, डाइट दी मादी वालों ने इंस्टाग्राम पे, उनके फॉलोअर्स, तो आप खा सकते हैं अब ये। ठीक है,
ठीक है, ये ब्राउनी भेजी है उन्होंने और ये आइसक्रीम केसर पिस्ता आइसक्रीम और ओरियो वनीला आगे बताते हैं। ये बुरादे का बादाम है और ये खीर आ चुकी है, खीर दादी ने बनाई थी खीर। अच्छा तो ये बादाम डाले हैं। हाँ खीर वाली आ चुकी है खीर। ये आइसक्रीम का रिव्यू देंगे। गुड गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया आइसक्रीम लगी इनको। पिकनिक्स खा रहे हैं, पिकनिक्स रसगुल्ले और सारा मीठा आ चुके हैं। बस खीर आइसक्रीम ब्राउनी ये रसगुल्ले हलवा आएगा अभी और केक जो बनाया था वो आएगा। बहुत स्वीट है हमारे पास, हमारे पास खाने की डिशेस से ज्यादा मीठे ज्यादा है, तो यहाँ सब ट्रायल चल रहा है कौन सी बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम है। जब भी मैंने सोचा कि घर तो मेरा ही है तो रोटी छोड़ता हूँ और ये खीर और सारी स्वीट डिशे चेक करता हूँ कैसे कैसे हैं, और ये सारे खीर और आइसक्रीमें और ब्राउनी चेक करके बताते कैसी है। आइए खीर ब्राउनी और आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी है, थैंक यू सो मच। इतनी बढ़िया आइसक्रीम और मैंने ब्राउनी खाई नहीं कभी, तो थैंक यू। फिनिश करके फिर आपको मिलता हूँ। अभी टीटी खेल रहे थे खाना खाने के बाद, तो अब बाकियों ने भी खाना खा लिया है और अंश जा चुका था और कुणाल साने वगैरह के साथ टीटी खेल रहे हैं अभी दादू और दादी। मैं खेल के आ चुका हूँ, ये देखो पसीना कितना आ गया मेरे को और बाल कट गए मेरे, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को क्योंकि पसीना अब ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा जितना नॉर्मल आता है उतना, लेकिन बालों में वैसे भी पसीना आता रहता था। ठीक है गाइस, तो गाइस एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि अभी मेरे चैनल को जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी वो पापा के बर्थडे पे ही डांस किया था ब्लैक शर्ट में, जिन जिन्होंने देखा है थैंक यू, उस पर 1.4K हो गए थे व्यूज़। लेकिन अब मेरा व्लॉगिंग चैनल है तो मैंने डांस हटा दिया था, मैंने शूट 2 जून को ही करा था, तो अब मतलब साल हो गया जो फर्स्ट वीडियो वो जो डांस शूट करा था उसे शूट करे हुए साल हो गया और आज ही 500 सब्सक्राइबर्स हुए हैं और आज पापा का फिर से बर्थडे आ गया। और गाइस 4 जून को मैंने ये चैनल पे एक वीडियो डाली थी वो डांस वाली, जो मैंने 2 जून को शूट किया था ना डांस ब्लैक कलर की शर्ट वाला, वही मैंने डाला था 4 जून को, उससे मेरा चैनल स्टार्ट था। लेकिन अब फिर धीरे धीरे व्लॉगिंग आया मेरी, तो व्लॉगिंग चैनल बन गया मेरा, तो मैंने वो डांस हटा दिया अभी। कि गाइस एक साल मेरे चैनल को जो ऑफिशियल है वो एक साल मेरे को 4 जून को ही होगा, और फर्स्ट वीडियो जो थी वो आज ही शूट हुई थी, आज ही के दिन शूट हुई थी। ये ऐसे साल हो गए, हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं जर्नी में ज़्यादा वीडियोस आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन अब तो डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, तो अब जो जर्नी होगी नेक्स्ट जो 2 जून होगा या जो भी डेट मैंने स्टार्ट की थी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा, जौन सी डेट मैंने डेली व्लॉग स्टार्ट किए थे, तो जब भी वो डेट होगी तब देखेंगे हमारे कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, आपको बताएंगे गाइस। और थैंक यू सो मच गाइस, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और फॉरवर्ड करते रहो, शेयर करते रहो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू सो मच गाइस। सब जा चुके हैं, बस वो लोग थोड़ा बहुत टीटी खेल रहे हैं, कुणाल और कुणाल सान्या दादू दादी और पापा, और खाना वाना खा लिया सब कुछ। डांस वांस भी नहीं कर पाए ज़्यादा, थक गए थे थोड़ा बहुत क्योंकि सुबह हेक्टिक वगैरह हो गया था, तो डांस नहीं कर पाए ज़्यादा, कुछ नहीं होता गाइस। और गाइस 2 अगस्त को मम्मी का बर्थडे आने वाला है, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ 1K सब्सक्राइबर्स तब तक करा दें, 2 अगस्त तक मम्मी का बर्थडे आ रहा है, तो तब तक अगर 1K हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मैं आपका आभारी रहूँगा। मम्मी और पापा दोनों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और मेरे घर वाले सारे ही मेरे को सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो गाइज़ अगर आप मम्मी और पापा के जैसे पापा पे आपने 500 सब्सक्राइबर्स कर दिए, वैसे मम्मी पे अगर आप 100 के सब्सक्राइबर्स करने के, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू आपको, बहुत ज़्यादा थैंकफुल कि आप मेरे को सपोर्ट करते रहो और मैं आपके साथ मिलता रहूँगा। तो अभी थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्स दिखा देता हूँ टीटी का और फिर बस जब एंड करेंगे वीडियो उसके बाद। आज भी मैं आपको शाउट आउट नहीं दे पाऊँगा, सॉरी गाइज, अगर कल के वीडियो से, कल के व्लॉग में मैं सारे कमेंट्स जो भी ये 2 वीडियोस पे आए हैं ना, पापा की पहली वीडियो और 2nd वीडियो पे, वो सारे कमेंट्स आपको रीड करके सुनाऊंगा और जो भी मैंने उन्हें रिप्लाई किया वो बताऊंगा और ये सब। और Q&A वीडियो भी मैंने आपको जैसे कि कहा था तो वो जल्द आने वाली है। इंस्टाग्राम पे अगर मेरे को फॉलो नहीं करे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस मांगूंगा आपको और आप क्वेश्चंस वैसे भी लिखते रहो, कल की वीडियो आएगी उस पर आप Q&A करना जब मेरे चैनल को 1 साल हो जाएगा, मतलब 4 जून को, मतलब आपके पास वीडियो आएगी 5 जून को, जो 5 जून को आपके पास वीडियो आएगी आप उसमें कमेंट्स करना, जो भी क्वेश्चन है आपको मेरे से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड, वो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं एक एक क्वेश्चन के आंसर खुद दूंगा और मेरी फैमिली देगी
और गाइज इंस्टाग्राम पे भी मैं क्वेश्चंस मांगूंगा, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सब के हम आंसर देंगे, जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे उनके कॉमन आंसर्स दे देंगे, जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको आंसर दे दूंगा, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई होगी तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो बस गाइज फिर अभी चलते हैं और दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स। ये देखिए मम्मी आ गई है, मम्मी की कटिंग कैसी लग रही है आपको? तो अभी केक खाते हैं, ब्राउनी गरम करके खिला रही है मम्मी, बहुत ही बढ़िया है। चीटी खेल के भी सब चले गए थे रात को अपने अपने घर, और उसके बाद बहुत नींद आ रही थी तो हम लोग सो गए थे। तो बस यही था आज के वीडियो में, डांस नहीं कर पाया सॉरी, नहीं मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखा दूंगा डांस जब भी आप कहोगे। तो अभी एडिटिंग करते समय मैंने देखा इंट्रो भी नहीं शूट करा था और वीडियो को एंड भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा नींद आती पापा को पढ़ते इसलिए, तो अभी एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज़ गाइस, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।